नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वो न्यूज। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबर पे। हमारे संवाददाता जियाउर रहमान खान की खबर किशनगंज से। किसान विरोधी काला कृषि बिल को रद्द करने की मांग को लेकर फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के विधायक अली इमरान रजक उर्फ विक्टर ने कानकी से हजारों ट्रैक्टर को किशनगंज बिहार बस स्टैंड NH 31 पर पहुंचे। रैली का स्वागत किशनगंज में मौजूद कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। वहीं रैली का समापन इस्लामपुर में किया जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के विधायक अली इमरान रमज उर्फ विक्टर ने कहा कि केंद्र सरकार किसान विरोधी काला कानून पारित कर खेती किसानी को नीलाम कर देने में लगी हुई है। दिल्ली में आंदोलनरत किसानों ने सम्मानजनक वार्ता में साजिश की जा रही है। वहीं किसानों के हित में MSP की गारंटी भी सरकार भाग रही है। मोदी के कंपनी राज के खिलाफ किसान अंतिम दम तक संघर्ष करेंगे। मेरी इज्जत अफजाई करने के लिए मैं आप सब लोगों का एहसान मंद हूँ और मैं माफी चाहता हूँ कि मौसम खराब होने की वजह से हम लोगों को यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा देर हो गई। आगे काफी काफिला रुका हुआ है, इसलिए आप लोगों से माफी चाहते हुए मैं ज्यादा चाहूंगा कि हम लोगों का काफले को आगे बढ़ने में मदद करें और आप लोग पीछे से हम लोगों के साथ शामिल हो और आप लोगों के लिए इस्तकबाल के लिए इतने जोश और खरोश के साथ आप लोगों ने किसान के इस हौसले को इजाफा दिया है और इस किसान की लड़ाई में आपकी मौजूदगी इस बात को साबित करती है कि हुकूमत चाहे जितना भी जुल्म उठा ले, जालिम चाहे जितना भी सितम उठा ले, आवाम और किसान हम सब एक हो जाए तो हर हुकूमत को हम जवाब दे सकते हैं। और आज ये साबित हो रहा है, ये नेशनल हाईवे पर हजारों ट्रैक्टरों के साथ हजारों हजार के कतार में लोग इस्लामपुर तक शामिल हो रहे हैं। मैं आप सबों का शुक्रिया अदा करते हुए इजाजत चाहता हूं कि मुझे आगे बढ़ने की इजाजत है। रैली का एक ही मकसद है कि मोदी सरकार के तरफ से किसान विरोधी, देश विरोधी जो कानून लाया गया है उस कानून को वापस लिया जाए। सिर्फ दिल्ली के में सरहदों पे किसान बैठे हुए नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान में किसान और जवान एक नारे के साथ, जय जवान जय किसान का जो नारा है, उस किसान के नारे के साथ पूरा हिंदुस्तान एक हो रहा है। और अगर मोदी सरकार अपने गलत इरादे, नापाक इरादे से पीछे नहीं हटती है तो यकीन मानिए कि हिंदुस्तान का हर सड़क, हर गांव के लोग, हर माँ बहन सड़क पर आ जाएगी, हिंदुस्तान बंद हो जाएगा। इसके आज ही उसकी शुरुआत हो चुकी है। COVID-19 वैक्सीन इज सेफ। फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस फॉर वैक्सीनेशन। रजिस्टर ऑन कोविन सिस्टम यूजिंग अ वैलिड फोटो ID. Beneficiary will receive SMS messages on their registered mobile number. On the vaccination site, Vaccination Officer 1 will check registration and verify photo ID of the beneficiary. Vaccination Officer 2 will authenticate verify documents on COVIN. Vaccination Officer will vaccinate the beneficiary. Following vaccination, all beneficiaries should wait in the observation area for 30 minutes. Vaccination Officer 4 and 5 will ensure 30 minutes wait, monitoring and guiding the non-registered beneficiaries. Come for second dose of vaccine on the due date as per SMS received.